कार्यकर तिरंग कार्यक्रम को लेकर सीओ और तहसीलदार ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। जनपद पंचायत के सभागार में घर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी के करपे और तहसीलदार उमराज सिंह वारले द्वारा सभी नवनिर्वाचित सरपंच को आमंत्रित किया गया था, जिसमें जनपद पंचायत उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद दिल्लारे व सरपंच संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र देशमुख द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर कहा गया कि तिरंगा देश और सूरवीरों का प्रतीक और गौरव है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। सरपंच संघ अध्यक्ष ने कहा कि हम इस अभियान को देश नागरिकों के मन में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और उत्पन्न करने आगामी 25 वर्षों के संकल्प को पूरा करने का प्रण लेना है। आपको बता दें कि विद्यालय आंगनवाड़ी केंद्र सहित सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों में तिरंगा फहराने व 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार देश का हर नागरिक अपने घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान या सार्वजनिक स्थल पर तिरंगा फहरा सकता है। यही नहीं, इस बार सूर्यास्त के बाद भी तिरंगा फहराया जा सकता है। जहां जनपद पंचायत के सभागार में आयोजित बैठक में प्रमुख रूप से उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद लीलारे, सरपंच संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र देशमुख, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तहसीलदार, समन्वयक अधिकारी के पुरसाम, मुकेश पालेवार, सरपंच गण व जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति रही। सर बताइए, आज जनपद के सभागृह में सभी सरपंचों को एक साथ किस बात के लिए आमंत्रित किया गया था? शासन के निर्देशानुसार और कलेक्टर साहब के आज निर्देश पर नव निर्वाचित सरपंचों की बैठक रखने के लिए कहा गया था, जिसमें भारत शासन की जो अभिनव योजना है हर घर तिरंगा के संबंध में, प्रचार प्रसार के संबंध में बताने के लिए तथा प्रत्येक गांव में एक छोटी समिति का निर्माण करने के लिए जो प्रचार प्रसार का कार्य करेगी, और शासन के दूसरी महत्वपूर्ण योजना अनुकूल योजना के अंतर्गत 25 पौधे लगाने के लिए निर्देश और कलेक्टर साहब की अपील को और उन तक पहुंचाया गया है। सर, ये जो प्रचार प्रसार है, इसमें घर घर तिरंगा और पौधारोपण की जो आप बात बता रहे हैं, इसमें कुछ शुल्क रखी गई है या निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है? इसमें गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित दरें हैं जो ग्राम पंचायतों को हमने दिया है। इसके अलावा प्रशासन उचित मूल्य की दुकान पर रखा है, लोक सेवा गारंटी के केंद्रों पर रखा गया है, थाना के केंद्रों पर रखा गया है, जहाँ से आम आदमी जो शासन द्वारा निर्धारित दर है उसके आधार पर क्रय कर सकता है। खैरलांज से देवी लीलारे। ऐसे ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबरें पसंद आए तो खबरें शेयर करें।